हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और स्टार्ट सब्सक्राइब करते कर हैं हम देना। लोग। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसको मार्श गैस कहते हैं? मार्श गैस किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, CH4, जिसका नाम क्या होता है? मीथेन। ठीक है, तो मीथेन को मार्श गैस कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी ऐसी गैस है जिससे फलों को पकाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन के द्वारा हम फलों को कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। और जो एसिटिलीन गैस है, इसके ऊपर 1955 में धारा 44A के तहत इसमें प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इथिलीन। नेक्स्ट इज, प्रशीतक फ्रेयोन है, फ्रेयोन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरोमीथेन। और डाइक्लोरोमीथेन एक रंगहीन कलरलेस गैस होती है, तो फ्रेयोन क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट, ओजोन में होती है, ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन होता है, क्यों? क्योंकि ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है, तो इसके अंदर क्या होता है? ओनली ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन नंबर डी, SO2। ऑप्शन नंबर डी, SO2। और SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में किसको मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हीलियम को मिलाया जाता है, 1:4 के रेशो में मिलाया जाता है। और इस गैस को ही क्यों यूज़ किया जाता है, हीलियम को? क्योंकि ये रक्त में बहुत ही कम विलय होती है, बहुत ही कम मिक्स होती है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? अम्ल वर्षा एसिड रेन के अंदर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्र कोहरा स्मॉग में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य है, तो स्मॉग जो है वो किससे मिलके बना होता है? ये ओजोन और पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट से मिलके बना होता है। तो जो आंखों में जलन पैदा करता है वो क्या है? पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, अम्ल वर्षा ऑप्शन नंबर डी, SO2 और NO2 के कारण होती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरोसोल का उदाहरण है, तो एरोसोल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, धुआं। नेक्स्ट, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है? बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है नियॉन। ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। नियॉन प्रकाश जो है वो बहुत ही दूरी से दिख जाता है, यहाँ तक कि जो सर्दियों में कोहरा होता है उसमें भी नियॉन प्रकाश दिखाई दे जाता है, इसलिए बीकन प्रकाश के लिए किसका यूज़ किया जाता है? नियॉन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हाइड्रोजन की खोज ऑप्शन नंबर ए, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश द्वारा हाइड्रोजन की खोज की थी 1766 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव है? तो कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ बीजन के लिए हम AgL, सिल्वर आयोडाइड का भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी यूज़ होता है, और सूखी बर्फ ठोस CO2 का भी यूज़ होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज,
खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कागज़ के निर्माण के लिए। खोई क्या होता है? जब गन्ने का रस निकालकर जो उसमें बच जाता है, जो वो ठोस पदार्थ बच जाता है, उसी को हम खोई कहते हैं। और इसका प्रयोग जैव ईंधन के रूप में भी किया जाता है और कागज़ बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट इज, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेयॉन के निर्माण के लिए सेल्यूलोज का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कागज़ बनाया जाता है, तो कागज़ ऑप्शन नंबर ए, पौधे के सेल्यूलोज से बनाया जाता है, सेल्यूलोज से बनाया जाता है कागज़, पेपर। नेक्स्ट इज, लिटमस प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। और लिटमस पेपर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। और क्लोरीन गैस का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज, बेकलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योगों में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? बेकलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योगों में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, फिनोल का। फिनोल का प्रयोग किया जाता है बेकलाइट के विनिर्माण के लिए। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग रोग ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान में काम करने वाले लोगों को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती जो है वो पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है, ठीक है, और इसके अंदर CO2 और H2O के साथ साथ ऊष्मा, ठीक है, मतलब हीट भी बाहर निकलती है, तो जिसमें से हीट बाहर निकले उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट इज, ठीक है, तो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज, नेत्रों का परीक्षण एल्कलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? नेत्रों का परीक्षण करने के लिए एट्रोपीन का यूज़ किया जाता है, एट्रोपीन, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में किस विधि का काम होता है, मतलब कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, अपचयन विधि। और जो खाने पकाने वाले जो तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, उनको वनस्पति घी में चेंज करना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस, तो वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, ऑप्शन नंबर ए। तो गहरे तले हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कैंसरजनक कार्सिनोजन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजन सब्सटेंसेस होते हैं, कैंसरजनक सब्सटेंसेस होते हैं, वो किसकी प्रचुरता के कारण? वसा की प्रचुरता के कारण, ठीक है। ट्रांस फैट जो होता है खाद्य तेलों में वो कैंसर का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट इज, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। नेक्स्ट, यूरिया किसमें संश्लित होता है? तो यूरिया किसमें संश्लित होता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच।